जिस तरह शरीर को चुस्त और मजबूत बनाने के लिए कसरत की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए मानसिक कसरत की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में चलिए देखते हैं हम किस तरह से अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। आपके दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए आपको मानसिक कसरत, जिसे हम मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम मेंटल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, पजल्स इस काम में आपकी बहुत मदद कर सकती है। जी हाँ, पहेलियाँ आपके इस काम में बहुत मदद कर सकती है। अब ये पहेलियाँ कोई भी हो सकती है, जैसे कि क्रॉसवर्ड, सुडोको, जिग्सो पजल या स्क्रीन पर खेले जाने वाला कोई भी गेम। सभी तरह की गतिविधियों में आपका दिमाग संलग्न होकर आपको स्मार्ट बनाता है। तो चलिए आज हम ये भी देखते हैं कि पहेलियाँ या पजल्स हमें किस तरह से फायदे देती हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, दिमाग के दोनों पक्षों का एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिमाग का बायां हिस्सा एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग को नियंत्रित करता है और दायां हिस्सा क्रिएटिविटी या रचनात्मकता को। जब आप पहेलियाँ सॉल्व करते रहे होते हैं तो आप दोनों पक्षों को समान रूप से काम ले रहे होते हैं। दूसरा, याददाश्त में सुधार। जब हम आकार, पैटर्न और टुकड़ों को याद करते हैं और कल्पना करते हैं कि वे यहाँ कहाँ फिट हो सकते हैं, तो हम पहेली को पूरा करने की प्रक्रिया में अपनी मेमोरी का उपयोग करते हैं और इस तरह से हमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा मैं तीसरा बताना चाहूँगा, समस्या को सुलझाने के कौशल में भी पहेली हमारी बहुत मदद करती है। पहेली को हल करने के लिए अलग अलग तरीकों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यह सीखते हैं कि ट्रायल एंड एरर में कैसे काम करना है, जिससे आप निर्णय लेने में बहुत अच्छे और बहुत सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा पजल जो होती है, हमारे मूड में सुधार करने का भी काम करती है। कैसे? पहेलियाँ या पजल्स दिमाग में डोपामाइन के उत्पादन को बढ़ाती है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को, हमारी मेमोरी को और हमारी एकाग्रता, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, को नियंत्रित करता है। जैसे ही हम पहेली हल करते हैं, डोपामाइन हर सफलता के साथ रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपनी लाइफ में भी फॉलो करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एरम एजुकेशन अकेडमी।